Today's our topic is training in sports. Before we start this topic, first of all, we should know training, difference between training and sports training. Okay. So what do you mean by training? What is your view? What do you think about what type of training? Training is a gaining knowledge of any subject that is related to theoretically, practically of any subject. Training means you are getting knowledge of any subject that is not related with your sports. Training sports ki bhi ho sakti hai. Training aap apna PMT ki le rahe ho, IIT ki le rahe ho. Theek hai? If you want to learn anything, that particular subject, uske regarding aap jo knowledge, jo study aap lete ho, that is theoretical or practical, that is a sort of training. Aapko experts us subject ke. Theek hai? स्पोर्ट्स में आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं देता हूं. यू हैव सीन डिफरेंट स्पोर्ट्स, देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कोचेस. अर्लियर व्हाट वी यूज्ड टू डू, आई एम क्रिकेट कोच, आई एम गिविंग द कोचिंग फॉर क्रिकेट, दैट इज बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, विकेट कीपिंग, each and every part of cricket. You understand? Same in hockey. I am giving coaching for each and every skills of hockey. Usme aapka fundamental skills koi bhi hote hain. But nowadays, what happened? Ab jo aapka jitna bhi scenario hai, sara totally change ho gaya. Ab aapki specialization aage different hogi. Theek hai, ab kya ho gaya? Batting coach aa gaya. Bowling coach aa gaya. फील्डिंग कोच आ गया है, फिटनेस कोचेज आपके आ गए हैं. सेम इन हॉकी में आपका ऐसा आ गया, ड्रैग फ्लिकर अलग है, जो पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट्स अलग हैं, वो सारे डिफरेंट उन्होंने एक स्पेशलाइजेशन कर दी है. अब आप जो बॉलर का बॉलिंग का कोच है वो अपना बॉलर्स को देख रहा है, बैटिंग वाला बैटिंग को देख रहा है. आप अपने टाइम में इंटरनेशनल प्लेयर रहे हो, आपको बैटिंग की, आप एज ए बैट्समैन रहे हो, तो आपको क्या होगा, बैटिंग की ज़्यादा नॉलेज है. डिफरेंट सिचुएशन में जो आपका एक्सपीरियंस है वो भी आप शेयर कर सकते हो अपने ट्रेनीज को. ठीक है, तो ये स्पेशलाइजेशन जब से आई है आपके डिफरेंट स्पोर्ट्स में, उससे क्या हो गया, उससे आपके रिजल्ट आने अच्छे हो गए. ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, अर्लियर व्हाट वी यूज्ड टू डू, one coach is guiding each and every part of your particular game, but nowadays each small part they are taught by a different specialist. ठीक है, उन्होंने उस चीज में मास्टरी की भी है. अब आपका फास्ट बॉलर है, ठीक है, वो बॉलर बॉलिंग कोच में भी फास्ट बॉलर जो होगा वो आपको फास्ट बॉलर के बॉलिंग के बारे में ज्यादा बताएगा. जो स्पिनर्स हैं वो आपको स्पिन कहाँ पे कैसे, किस रिस्ट को कैसे रोटेट करना है, उसमें डिफरेंट जो बॉल्स हैं, जो डिफरेंट वेपन्स होते हैं, उनके वेपन्स क्या होते हैं. लेग स्पिनर है, उसकी गुगली बॉल अच्छी होती है, ठीक है, दैट इज अ डिसीविंग बॉल फॉर द बैट्समैन. सेम वो फ्लिपर बॉल फेंकता है, फ्लिपर मीन्स की दैट बॉल गोज स्ट्रेट एंड फास्ट. सेम इन द केस ऑफ ऑफ स्पिन, ऑफ स्पिनर बॉलर आर्म बॉल फेंकता है, टॉप स्पिन फेंकता है. जो लेग स्पिनर है उसका बॉल तेज नीचे निकलता है, दैट इज फ्लिपर. जो ऑफ स्पिनर का टॉप बॉल टॉप स्पिन आता है वो पढ़ने के बाद ज्यादा रोटेट करता है, ऊपर आता है, बाउंस करता है, जिससे आपका शॉर्ट लेग पे एजेस निकलते हैं. ठीक है, अब जो विकेट कीपर हो गया उसकी सारी एंटिसिपेशन पे गेम है. जो आपका विकेट कीपर है वो विकेट कीपर खड़ा है, आपकी जितनी अच्छी एंटिसिपेशन होगी, आप बॉल को रीड कर रहे हो अपने बॉलर को, बॉल पढ़ने के बाद राइट जाएगी, लेफ्ट जाएगी, बाउंस करेगी, उसका बाउंस कितना है, वो आपके चेस्ट पे आना चाहिए, आपके वेस्ट पे आना चाहिए, दैट यू हैव टू एडजस्ट. ठीक है, अगर आप बाउंस देख के नहीं खड़े होंगे तो क्या होगा, आपकी बॉल कोई ऊपर जा रही है, कोई नीचे जा रही है. तो जो विकेट कीपर होता है वो पूरा मॉनिटर होता है गेम का, ही कैन वॉच ईच एंड एवरी फील्डर, इवन बैट्समैन, नॉन स्ट्राइकर एंड बैट्समैन, वो सबको वॉच करता है. उसकी जो सिचुएशन, जो जहां वो खड़ा होता है, वो सबको मॉनिटर करता है वहां से, और अपनी टीम को भी गाइड करता है. तो ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है.
आज की डेट में आप स्पोर्ट्स में नहीं, आप अपना एकेडमिकली देख लो, देर आर थाउजेंड इन लैक्स कोचिंग सेंटर। आप एक गली में चल जाओ, मोहल्ले में चल जाओ, आपको 10 ट्यूशन पढ़ाने वाले मिलेंगे, है ना। फिर क्या होता है, जो इंटेलिजेंट है, जो अच्छे हैं, वो क्या करते हैं, दे वॉन्ट क्वालिटी। वो जा रहे हैं, हम आकाश के जा रहे हैं जी, ठीक है, हम और आपके पीपी सिंह हैं उनके पास जा रहे हैं, जिनका दो दोज हुआ रेनाउड पर्सनल ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। सेम इन द केस ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, गली मोहल्ले में भी कोई सिखा रहा है, एक सेंटर में सिखा रहा है, एक क्वालिफाइड कोच है, ठीक है, वो आपको डिफरेंट टाइप की कोचिंग देगा। जो एक क्वालिफाइड कोचिंग कोच कोचिंग देगा, उसके जो बच्चे हैं उनको आप देख के बता सकते हैं कि दे आर वेल इक्विप्ड विद द लेटेस्ट टेक्निक, स्किल्स, फंडामेंटल स्किल्स, ठीक है, उसको लेटेस्ट पता होगा, अब ट्रेंड क्या चल रहे हैं, व्हाट यू हैव टू चेंज। जो एक अपना ट्रेडिशनल कोचिंग कर रहा है, वो अपने हिसाब से कोचिंग कर रहा है, उसको ये नहीं पता आपकी लेटेस्ट क्या आ गया, क्या रूल चेंज हो गए में, ठीक है, वो अपडेट नहीं होते। बट दोज हु आर अ प्रोफेशनल, कोई भी आप प्रोफेशनल हो, एनी फील्ड, एकेडमिकली हो, आपका कोचिंग में हो, तो वो क्या होता है, वो अपने को अपडेट करते रहते हैं। दे नोज कि आपने अपने ट्रेनिज को कौन सी कोचिंग देनी है जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिलता है। तो कोचिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पे सारा आपका, हम बोलते हैं ना, आपका बेस अच्छा बन गया, अच्छे स्कूल में पढ़ना है, आप अच्छे स्कूल में पढ़ोगे, आपका बेस बन गया है, तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पेरेंट्स को भी यही होता है, दे आर सर्चिंग फॉर बेस्ट स्कूल्स, कि जहाँ पे आपके बच्चे का अच्छा बेस बन जाए, जहाँ पे स्टडी अच्छी हो। सेम इन द केस ऑफ स्पोर्ट्स, वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कौन सा स्कूल अच्छा है, जहाँ आपका स्पोर्ट्स की ज्यादा एक्टिविटीज है, जिस बच्चे ने, जिस पेरेंट्स को इंटरेस्ट है कि मैंने अपने वार्ड को, बच्चे को हमने क्या करना है, स्पोर्ट्स में लेके जाना है, पढ़ाई भी करेगा, स्पोर्ट्स भी करेगा, स्पोर्ट्स को एडवांटेज देते हैं, बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स वाले हैं, उनको बहुत इंसेंटिव देते हैं, ठीक है, उनको जब वो नेशनल खेलते हैं तो उनको हर चीज में, फीस में, आपका इक्विपमेंट्स दे के दे देते हैं, ठीक है, उनको कोई एनुअल फंक्शन में ऑनर करते हैं विद द कैश प्राइज, विद द टोकन ऑफ, कोई भी आप ट्रॉफी ले लो, तो उससे क्या होता है, बच्चा मोटिवेट होता है। तो वो लोग देखेंगे कि कहाँ पे स्पोर्ट्स का एटमोसफेयर अच्छा है, कहाँ पे अच्छे सेंटर्स हैं, हम वहां पे जाके कोचिंग ले, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन टू एंटर इन द नेशनल टीम। तो ये ट्रेनिंग का आपका सबसे मेन पार्ट है। अगर आपने किसी की, किसी बच्चे को किसी भी स्पोर्ट्स में लेके आना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पिक द बेस्ट सेंटर। जितने भी बच्चे आपके खेलते हैं, नो डाउट दे आर डूइंग प्रैक्टिस इन स्पोर्ट्स सेंटर, जितने भी आपके बने हैं, जैसे जलंधर में आपके डिफरेंट कोचिंग सेंटर बने हैं डिस्ट्रिक्ट के, बट सम ऑफ देम दोज हु आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, कर्नाटका फॉर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स कोचिंग। उससे क्या होता है, आपको आपको वहां पे एक ऐसा एटमोसफेयर मिलता है जहाँ पे हाई लेवल के, नेशनल लेवल के प्लेयर्स खेलते हैं। जब आप उनके साथ खेलोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। अब आप लोग इंडिया लेवल के जो टॉप प्लेयर्स हैं उनके साथ प्रैक्टिस कर रहे हो किसी अच्छे सेंटर में, तो उससे आपका, आपकी गेम में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, साइकोलॉजिकली, मेंटली यू विल बी मोर मोर स्ट्रॉन्गर। आपको जब छोटे आप अपने स्टेट में आओगे तो आप बोलोगे ये तो कुछ भी नहीं, कि मैं तो उनके साथ खेल के आया हूँ जो नेशनल प्लेयर है। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग। आपकी अगर ट्रेनिंग अच्छी होगी, अच्छे कोचिज के पास ट्रेनिंग करोगे, तो 100% रेस्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। ये नहीं अभी कोच, कोच ने आपको बता दिया है, उसके ऊपर कोई जादू की स्टिक नहीं है, मैजिक नहीं है कि ये बेटा ऐसे करना है, करना आपने, उन्होंने गाइड करना, दे जस्ट रिफाइन, जैसे आप गाड़ी की सर्विस कराते हो, ठीक है, वो रिफाइन करते हैं बच्चे को कि हाँ इसमें ये आपकी कोई फॉल्ट है, इसको कैसे आपने ठीक करना है, वो आपकी प्रैक्टिस है। एंड प्रैक्टिस क्या होता है, मेक ए मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे किसी स्किल की, आप उसकी मास्टरी करोगे, जब आपकी मास्टरी हो जाएगी तो
तो यू विल एग्जीक्यूट दैट टेक्निक प्रॉपरली। वर्ल्ड में कई ऐसे प्लेयर हैं जो बड़े अनऑर्थोडॉक्स खेलते हैं, जिनका खेलने का तरीका दैट इज नॉट मैचिंग विद फंडामेंटल स्किल्स ऑफ गेम, बट दे क्या किया उन्होंने, अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे अपनी टेक्निक अपने स्टाइल से अपनी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंस दे के अपने को प्रूव किया, तो दैट इज देयर मास्टरी। अब ये नहीं कि आप लोग, हम बोलते हैं बैट को ऐसे पकड़ना है, लेग्स को ओपन इतनी करनी है, दैट इज अ बेसिक, दैट इज अ स्टांस ऑफ योर गेम। तो सम प्लेयर्स उनका स्टांस भी वाइड होगा, थोड़ा ग्रिप भी चेंज होगा, बट दे आर प्लेइंग इन इंटरनेशनल लेवल बिकॉज दे मास्टर दैट पर्टिकुलर स्किल विद देयर ओन। वो उनको अच्छा लगता है, उसको अपनी बॉडी को उससे एडजस्ट करना उन्होंने सीख लिया। तो ये चीजें होती है। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मीन क्या होता है हमारा, ट्रेनिंग तो आपने किसी सब्जेक्ट की थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल ले ली है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होगी फिर? ट्रेनिंग तो आपने जनरल किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपने नॉलेज ले ली है, दैट इज थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। एंड व्हाट इज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ वेल प्लान सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज। ठीक है, ये क्या होती है, वेल प्लान साइंटिफिकली सिस्टमेटिकली लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज टू गेट द हाइएस्ट लेवल ऑफ योर ट्रेनिंग। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड कर लो। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होती है, सबसे पहले आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, साइंटिफिकली होनी चाहिए, सिस्टमेटिकली होनी चाहिए, फिर ये लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज होती है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मतलब क्या, हमने अपने स्पोर्ट्स अपने एथलीट से स्पोर्ट्स पर्सन से उसकी टॉप परफॉर्मेंस लेनी है। ठीक है, हमारा जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कराने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन एम क्या है, टू गेट द हाइएस्ट टॉप परफॉर्मेंस ऑफ योर ट्रेनिज, जो आपके पास ट्रेनिज ले रहा है, जो एथलीट है, उससे हमने 100% परफॉर्मेंस लेनी है, उसकी जो टॉप परफॉर्मेंस है वो हमने उससे लेनी है। उसी के लिए हम क्या करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं, साइंटिफिकली हम क्या करते हैं, हर चीज को, हर डिफरेंट एंगल्स को माइन्यूटली हम चेक करते हैं उस प्लेयर की, फिर हम उसका सिस्टम एक बनाते हैं कि उसको हमने कैसे यूज करना है। यही चीजें फिर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करते हो। ठीक है, ये नहीं आपने सिस्टम बना दिया, टेक्निक बना दी है, बट यू आर नॉट डूइंग दैट रेगुलरली, इट इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज। कोई भी स्किल है, कोई भी प्रैक्टिस आपने करनी है, वो है 1 week 2 week 3 week में यू आर नॉट गोइंग टू बी परफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर आप सोचो कि मैं 10 दिन में या 1 महीने में 1 साल खेल के मैं नेशनल चैंपियन बन जाऊंगा या स्टेट चैंपियन बन जाऊंगा या डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बन जाऊंगा, दैट इज इम्पॉसिबल। दोज हु आर प्लेइंग रेगुलरली फॉर द इयर्स इयर्स, हु स्टेप बाय स्टेप अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, तो वो ज्यादा आपसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। इसीलिए क्या होते हैं हम लॉन्ग ड्यूरेशन, आपने जितने टाइम, अब आप ये देख लो कि जो भी आपके कैंप लगते हैं, एक सिंपल सा है, जो आपका ओलंपिक का कैंप लगता है वो कब लगता है, कितने साल पहले लगता है, कितने महीने लगता है। सपोज यू आर सिलेक्टेड फॉर नेशनल टीम, आपको पिक कर लिया गया नेशनल टीम में एंड आपके ओलंपिक्स होने वाले हैं, तो वो कब कैंप कितने पहले लगाते हैं ओलंपिक से? तभी शुरू हो जाते हैं। तो वो जो बाकी बच्चे खेल रहे हैं वो नहीं खेलेंगे, कोई बीच में से भी बच्चा आ रहा है जो परफॉर्मेंस दे रहा है। सपोज यू आर अ नेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर, ठीक है, आपने इंडिविजुअल हम गेम ले लेते हैं, आपने आपका रेस, आप चलो 100 मीटर में हो, आप आपका टाइमिंग आ रहा है 11, यू आर सिलेक्टेड फॉर, यू आर अ बेस्ट स्प्रिंटर, बट नेशनल गेम में कुछ स्टेट का अच्छा लड़का आ जाता है, वो आपसे टाइम और कम निकाल रहा है, तो वो भी तो टीम में आएगा ना।
सबसे पहले हम हर साल नेशनल गेम इसीलिए कराते हैं, हर कंट्री में ये होता है, नेशनल गेम्स कराने का मेन मोटिव ये होता है कि आप बेस्ट प्लेस, जब नेशनल हम कराते हैं तो हर स्टेट के वहां पे यूनियन टेरिटरी के बच्चे आते हैं तो वो सब पार्टिसिपेट करते हैं, तो वी कम टू नो दैट कौन सा अपकमिंग कोई और टैलेंटेड बच्चा आ रहा है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। समटाइम अच्छे बच्चे को भी हम कैंप में रखते हैं, और ये कैंप आपका इयर्स, इट विल, ये नहीं कैंप की वन मंथ टू मंथ, इट इज अ कैंप ऑफ इयर्स। वो दो साल पहले पे कर लेंगे परफॉर्मेंस के लिए, एक साल के लिए फॉरेन में भेज देंगे ट्रेनिंग के लिए, आपके जितने भी अभी ओलंपिक में मोन आप थ्रोअर ले लो या बैडमिंटन वाली ले लो, आप जितने बच्चे अपने गए हैं उनके सबके कोचिज फॉरेन के थे और मैक्सिमम टाइम उन्होंने फॉरेन में अपने कोचिंग ली। जिस बच्चे में हमको लगता है कि ही और शी इज टैलेंटेड, ठीक है, इसका कहीं मेडल आ सकता है, तो उसको ये पिक कर लेते हैं, उसको एक दो साल पहले ही वो अपने ट्रेनिंग में शुरू कर देते हैं। फिर ये देखते हैं कि वर्ल्ड में बेस्ट कौन है, जो वर्ल्ड का बेस्ट थ्रोअर वो उसका कोच था नीरज चोपड़ा का, पता है आपको, उसका रिकॉर्ड 100 का है, और देख लो उसके कोई नेड़े तेड़े नहीं है अभी ओलंपिक में भी, यू कैन इमेजिन की वट टाइप ऑफ एथलीट ही। तो उसने अपना एक्सपीरियंस उस पर लगाया, सब कुछ देखा। आपका बैडमिंटन है, उसका भी इंडोनेशियन वो है कोच, वो क्या करते हैं बेटा, उनका मेन चीज एक हमारी जो मेन यहाँ पे है, व्हेन यू आर क्वालिफाइड कोचेज फ्रॉम NIS स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हम जाते हैं, वहां से कोचिंग का डिप्लोमा लेके आते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उन बच्चों को कोई नहीं पूछता, वो कई साल फ्री रहते हैं, कोई कोचिंग के लिए उनको सेंटर नहीं है, कोई गवर्नमेंट से वहां पे कोई प्रॉपर ऐसा नहीं होता है कि उन बच्चों को जो कोचेज वहां पे साल की ट्रेनिंग करके आए उनको सीनियर कोचेज के साथ एडजस्ट करें, उसको साल दो साल वहां पे उसको वर्कआउट कराए, उसको नॉलेज दे प्रैक्टिकल कोचिंग की, देन उसको सब सेंटर्स दें। फॉरेन में क्या होता है, जो कोचिंग करके आता है बच्चा उसको सीनियर कोच के साथ अटैच कर देते हैं, जिनका लाइफ का इतना एक्सपीरियंस है, दो द्वारा जैसे हमारे द्रोणाचार्य अवार्डिंग होते हैं ना कोचिंग में, होता है ना अवार्ड, जो कोचेज होते हैं अच्छे उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है, ऐसे कोचेज के अंदर वहां पे उनको बच्चों को आप प्रैक्टिस उनके वहां पे अपॉइंटमेंट दो, उनको वहां पे लगवाओ, वो उनसे नॉलेज लेंगे, उनसे तरीका सीखेंगे कैसे कोचिंग करनी है। आप पढ़ के तो आगे हो, पढ़ के आगे कोचिंग देना दैट इज एंटायर डिफरेंट थिंग, ठीक है, आप इंटरनेशनल प्लेयर हो बट इट डज नॉट मीन्स कि यू आर गुड कोच, कोचिंग एंड प्लेइंग इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। आपने दूसरों से परफॉर्मेंस लेनी है, वो बिल्कुल एंटायर डिफरेंट थिंग है, एक आप अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हो, आप अपने आप कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। किसी दूसरे से काम लेना सबसे सबसे मुश्किल काम होता है, किसी से आपको कोई काम कराना होगा ना तो वो बहुत मुश्किल है, अपने आप बोलोगे छोड़ो मैं अपने आप कर लेता हूँ। तो कोचिंग भी एक ऐसी चीज है, आपको साइकोलॉजिकली मेंटली बच्चों को बूस्टअप करना होता है, हार रहा है कोई बच्चा, हार रहा है, जैसे आपको मैंने बताया था ना ये परफॉर्मेंस होती है, ये आपकी परफॉर्मेंस है, यहाँ से क्या है, ये आपका वो एक मार्क लगा देते हैं, स्टार्टिंग में क्या होगा आपकी परफॉर्मेंस ऐसी जा रही है, बहुत जल्दी अपराइट जा रही है, आप कोई चीज सीख रहे हो सीधी परफॉर्मेंस का आपका ग्राफ जा रहा है, जब आप क्या होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ गए हो तो वहां पे थोड़ा और कंपटीशन आपको मिल गया तो वहां से आपकी परफॉर्मेंस, अगर आप और हाई लेवल पे जा रहे हो स्टेट लेवल पे तो वहां पे और डिफिकल्ट आपको क्या होगा कंपटीशन मिलेगा, तो वहां पे आपको क्या होगा वो आपका ग्राफ ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि आपसे भी अच्छे कोई आ रहे हैं, आप जैसे भी कोई आ रहे हैं, जितने बड़े कॉम्पिटिशन में आप जाओगे वहां पे आपको क्या होगा हार्ड कॉम्पिटिशन मिलेगा, ठीक है, घर से जब बाहर निकलोगे तो क्या होगा, सम टाइम आप प्रैक्टिस कर रहे हो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आपकी परफॉर्मेंस ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, ये एक जगह फंस गई, इसको हम बोलते हैं स्टैग्नेशन। ये बहुत बार आपने देखा होगा वो कोहली रन ही नहीं बना रहा जी, उसकी सेंचुरी नहीं बन रही है सेंचुरी, दो साल हो गए ना नहीं बन रही, और एक टाइम ऐसा था कि वो तो 100
सेंचुरी तेंदुलकर का रिकॉर्ड बस कर देगा अभी ब्रेक। अब क्या हो गया ये, दैट इज द स्टैग्नेशन पीरियड, दैट इज द स्टैग्नेशन फेज, और ये हर स्पोर्ट्स पर्सन के आता है। ठीक है, कुछ एक आपका लाइफ में ऐसा टाइम आता है, ऐसा कोई पीरियड आएगा, ऐसा कोई फेस आएगा जहां पे आपका क्या होता है, स्टेबल सा काम हो गया, अभी पता है मैंने ये तो करना है, ये मैं कर लूंगा, चाहे अच्छे आएंगे चाहे मारे आएंगे। क्यों? आपकी बॉडी, आप कई साल से वो चीज कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, काम कर रहे हो, उतनी एक परफॉर्मेंस आप दे दोगे, वो स्टैग्नेशन पीरियड आ जाता है। यहां से आपने अपने एथलीट को ऊपर कैसे लेके जाना, दैट इज द मेन। ठीक है, वहां पे बड़े अच्छे कोचिज, साइकोलॉजिस्ट जो आपको मेंटली बूस्टअप करते हैं, आपको वो डिफरेंट ऐसे ऐसे तरीके से बूस्टअप करेंगे, आपका मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी विल पावर को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये है, यहां से शुरू होता है मेन काम, जो अच्छे कोचिज हैं। ठीक है, वो आपको यहां से उनका यहां पे ले जाने में मेन रोल होगा। और जो आपके डिफरेंट कोचिज हैं जिनको साइकोलॉजिकली ट्रीट करना नहीं आता है, अब आपको एक सिंपल सा एग्जांपल है, तेंदुलकर को ये स्टंप्स के ऊपर यहाँ पे उसने क्वाइन रख देने हैं कोचिज ने, आचरेकर साहब ने, सिक्के विकेट के ऊपर ये स्टंप्स लगी है यहाँ पे, उनको रख दिए जी, जो इसको आउट करेगा ये सारे क्वाइन उसके बॉलर के। और आपको पता है वो महीने महीने तक आउट ही नहीं होता था, वो आउट नहीं होगा, वो सिक्के उसको मिल जाएंगे। और बॉम्बे में आपको पता भेलपुरी पाव भाजी बड़ा चलता है, शिवाजी पार्क स्टेडियम है वहाँ क्रिकेट का, वो इन किलोमीटर्स है, तो वहां पे एक मैच यहाँ हो रहा है, दूसरा वहां, तीसरा, दे आर प्लेइंग, बहुत से लोग इकट्ठे खेलते रहते हैं। तो वो उसने रोज अपने सिक्के उठाने हैं तो अपने खा पी के घर चल जाना, बॉलर तरसते थे कि हम इसको आउट करेंगे तो हमको मिलेगा। ये क्या, एक मोटिवेशन लेवल है ना, बच्चा खेल रहा है, अब हम खेल रहे हैं, मार रहे हैं, हमको पता कोई प्रॉब्लम नहीं, अब हम खेल रहे हैं, हमको पता है पीछे क्वाइंस भी पड़े हैं, उस टाइम 1-2 रुपए की वैल्यू बहुत होती थी। ठीक है, उसको पता है पीछे मैंने आउट ही नहीं होना, एक मोटिवेशन हो गया ना उसको, साइकोलॉजिकली उसने कर दिया एंगेज। आपको कोई भी अवार्ड पनिशमेंट हम इसीलिए देते हैं ना मोटिवेशन में, वहां पे अवार्ड्स भी मिलते हैं, पनिशमेंट भी मिलती है। परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, आप सीरियस नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो क्या बोलेंगे, इसको एक्स्ट्रा में डाल दो। नो डाउट ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, टैलेंटेड प्लेयर, बट ही इज नॉट डूइंग प्रॉपरली, वो इनडिसिप्लिन है। आपने देखा होगा गेम में इनडिसिप्लिन, मिसबिहेव, अनअफेयर ऑफ मींस, अगर कोई ऐसे यूज करता है तो उसको वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। देयर इज ए कार्ड सिस्टम, येलो कार्ड, रेड कार्ड, ये इसीलिए बने। आप किसी को अब्यूज करते हो, इंटेंशनली उसको हर्ट करते हो, ठीक है, स्टेट वे यू विल सेंड आउट, और समटाइम आपको अगले मैच के लिए भी बैन कर दिया जाता है, और समटाइम मैच की जो मनी होती है उसको डिडक्ट कर देते हैं। यू हैव सीन कि आप स्लो ओवर कर रहे हो क्रिकेट में, तो उससे क्या करते हो, 25% ऑफ मैच मनी इज डिडक्टेड, 50% डिडक्टेड। ठीक है, तो ये चीजें उन्होंने रूल रेगुलेशन इसीलिए बनाए हैं कि आप फेयर कोई गेम को खेलो। तो स्पोर्ट्स में हमारा मेन जो ये आपको मैं कोचिंग का बता रहा हूँ, ये इसीलिए ज्यादा आपको इसको थोड़ा हम लेंथी कर रहे हैं कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। फिर उसके बाद आपका मेन ट्रेनिंग का क्या होता है, जब हमने ट्रेनिंग करनी है तो ट्रेनिंग के आपके 3 फेसेस होते हैं, ये याद रखना आप, phase 1, phase 2, phase 3। Whenever you go for any high level of training, तो ये 3 फेसेस काम आते हैं आपके। फर्स्ट फेज में आपका होता है जनरल फिजिकल फिटनेस, आपको फिटनेस पे ध्यान देंगे, जब तक आप फिट नहीं होंगे यू कांट डू एनीथिंग। सिंपल है, स्पोर्ट्स गेम वही बच्चा कर सकता है अगर वो फिजिकली फिट होगा, जो अनफिट होगा वो ग्राउंड में खड़ा ही नहीं हो सकता, वो उनकी लोडिंग, उनका जो ट्रेनिंग का लोड होता है उसको नहीं सह पाएगा वो। तो वन शुड बी फिजिकली फिट, तो हम फेस वन, इसको हम बोलते हैं प्रीपरेटरी फेस। फेस वन में हम क्या करते हैं, उनको फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, रनिंग, जंपिंग, एक्सरसाइज, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग, ठीक है, वो सारी एक्सरसाइज कराते हैं कि उसका
स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन, ये जो आपके 5 कंपोनेंट है फिजिकल फिटनेस के, उसको हम स्ट्रेंथनिंग करते हैं। जब वो स्ट्रेंथनिंग होगी आपकी, उसके बाद हम क्या करते हैं फेज टू में, आपका डिफरेंट टेक्निक, स्किल्स, टैक्टिक्स, ये सारी चीजें चलती हैं। आपने फंडामेंटल स्किल्स, कैसे बैट पकड़ना है, कैसे गेम को खेलना है, कौन सा शॉट है, उसमें हेड मूवमेंट क्या होगी, लेग की मूवमेंट क्या होगी। कोई भी गेम ऐसी नहीं है बेटा जहां पे आपका पूरी बॉडी इन्वॉल्व ना हो। आप हॉकी ले लो, फुटबॉल ले लो, बैडमिंटन ले लो, रैकेट कैसे पकड़ना है, राउंड आर्म पकड़ना है। अब ये आपका स्पोर्ट्स रैकेट है, अगर आपने इसको ऐसे पकड़ लिया लाइक दिस, व्हाट हैपेंड, आपकी रिस्ट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ठीक है, आपने इसको पकड़ लिया, आप फेर रहे हो, क्या होगा, ये आपका ऐसे करना मुश्किल हो जाएगा। वी शेप में पकड़ते हैं हमेशा, दिस इज वी शेप। आपने अगर बैडमिंटन का रैकेट भी पकड़ना है, ठीक है, अगर आपने बैडमिंटन का रैकेट पकड़ना है, टेबल टेनिस का रैकेट पकड़ना है, क्रिकेट का बैट पकड़ना है, क्रिकेट के बैट में भी अगर आपने सपोज ये आपका बैट है, ये पकड़ लिया राउंड ग्रिप, ठीक है, इफ यू आर होल्डिंग लाइक दिस, ये क्या होगा, ये हैंड आपका लॉक हो गया। और मोस्टली इफ वी आर राइट हैंडेड तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है इसका मेन रोल होता है। नो डाउट वी आर राइट हैंडेड बैट्समैन, बट वाइल वी आर प्लेइंग लेफ्ट हैंड इट इज टोटली डोमिनेटेड। जो भी शॉट है आपके, ये जस्ट गाइड करता है, ये राइट हैंड ओनली लाइक दिस, बाकी ये सारा फुटवर्क यही, ये स्ट्रॉन्ग होगा आपका, ये इसमें पावर होगी, ये आपका गाइड करेगा सारा स्ट्रोक खेलने के लिए। ओनली वेन यू आर प्लेइंग हुक शॉट, पुल शॉट, तब आपका राइट हैंड डोमिनेट करता है, क्योंकि यहां से आपने ये फिर राइट हैंड हुक ऊपर मारना है, पुल मारना है, ठीक है। अदरवाइज क्या है, ये दिस इज ओनली फॉर गाइडिंग राइट हैंड। ये सारा आपने देखा होगा वन हैंड से ही वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ऐसे ऐसे, ये दिस इज स्ट्रेट बैट, हाउ यू कम योर बैट स्ट्रेट, योर एल्बो, योर फुटवर्क, योर टो मूवमेंट। तो कोई भी जो गेम है उसमें आपका आईज, बॉडी, हम बोलते हैं ना स्टांस, कईयों का ऐसा स्टांस होगा, ऐसा होगा, जो अच्छे कोच होंगे आपको पहले खड़े होते ही बोलेंगे योर स्टांस इज नॉट गुड, योर आईज शुड बी पैरेलल टुवर्ड्स द बॉलर, ठीक है। हॉकी हम स्टिक को भी अगर ऐसे पकड़ लेंगे ऐसे राउंड में, तो क्या होगा, ये ड्रिबल ही नहीं होगी, ड्रिबल तब होगी ये जब इसको मूवमेंट फ्री होगा रिस्ट का। सेम बैडमिंटन में अगर ऐसे पकड़ लेंगे राउंड ग्रिप, तो आपका बैक एंड ही नहीं चलेगा, बैक एंड के लिए ग्रिप चेंज करना पड़ता है, फोर एंड के लिए ऐसे करना होगा, ऐसे पकड़ा होगा तो फोर एंड लगेगी नहीं। तो ये जेवलिन थ्रो देख लो, आप कोई भी चीज आप होल्ड करते हो तो उसका अगर राउंड ग्रिप होगा तो दैट विल बी आपके रिस्ट की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा, इसीलिए हम वी शेप में पकड़ते हैं। याद रखना, आपने पेन पकड़ते हो ऐसे पकड़ते हो ना, कोई ऐसे पेन पकड़ता है, दैट विल बी, यू ऑल्सो फील प्रैक्टिकली इट विल बी डिफिकल्ट टू होल्ड लाइक दिस इन राउंड ग्रिप। तो ये टेक्निकली चीजें हम बताते हैं फेज टू में, आपने कैसे उठना है, बैठना है, स्ट्रोक खेलना है, बैडमिंटन की शटल को आपने देखा होगा, कभी किसी को देखा है ऐसे शटल मारते हैं, और दूसरा आर्म भी ऐसे होता है, व्हेन दे आर स्मैशिंग द शटल बोथ आर्म्स अपवर्ड, ऐसे नहीं होगा कि ऐसे मार रहे, दैट इज अ लॉजिक, दोनों हाथ बॉडी की पावर आएगी यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे ऐसे कभी देखा आपने किसी को, खेलते नहीं होगा। अब आप रनिंग करते हो, सिंपल आपको एक मैं बताता हूँ, वाइल यू आर रनिंग, आप लोगों को ही बता देते हैं जो प्लस वन टू वाले बच्चे हैं, गर्ल्स को देखना या आप में से कई बॉयज जो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, व्हेन दे आर रनिंग, हाउ दे आर रनिंग, और पैरों की आवाज साउंड कैसी होगी, ऐसे जैसे घोड़े दौड़ते ना, हॉर्स थप थप थप, मतलब वो अपना बॉडी का वेट ही नहीं सांभ पाते। अदरवाइज ये स्विंग मूवमेंट होती है आपकी, जो आपका स्प्रिंटर होगा, जो रनर होगा, जो एथलीट होगा, उसका आप रनिंग करते हुए कोई भी वीडियो देखो किसी की अगर उसमें, तो उनके जो आर्म्स की लेग्स की मूवमेंट है साइमल्टेनियसली और क्लोज टू बॉडी होगी। इससे क्या होता है, आपको मूवमेंट मिलती है आगे भागने में, स्पीड मिलती है, एयर को आप बैकवर्ड उसको पुश करते हो, और
मैं कहता हूँ 90% अभी आप देखना भी, जब अगर आपका होगा प्रैक्टिकल जाओगे तो आधे बच्चे ऐसे भाग रहे थे, ऐसे थप थप थप, मतलब आप अपना बॉडी वेट ही नहीं सांभ पा रहे। ये फिजिकल फिटनेस है। तो ये चीजें सारी जब आपको, इसीलिए हम बोलते हैं ना ट्रेन कोचेस के पास जो बच्चा जाएगा वो पहले वो यही सिखाएंगे। वहां पे क्या होगा कि आधे बच्चे भाग जाते हैं महीने 2 महीने बाद नेचुरली। आपने जिम ज्वाइन किया, किसी ने किया हुआ है?